ऋषिकेश से कुटियाला 248 करोड़, लंबागढ़ भूस्खलन मंजूर 7.68 करोड़, ऑल वेदर और देवप्रयाग 75 करोड़, हिमालयन सांस्कृतिक 67 करोड़ एवं सुगंध पौधा केंद्र 40 करोड़। एक बार जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। मंचासीन महानुभावों से अनुरोध है अपना स्थान ग्रहण कर लें। वास्तव में हम उत्तराखंड वासियों के लिए अत्यंत ही गौरवमय पल है, क्योंकि एक माह पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी बाबा केदारनाथ की पावन भूमि में हमारे बीच में थे और आज पुनः हमारे साथ है। गर्वित है सब भारतवासी, मिले हमें ऐसे नेता, हम सबके प्रेरक मोदी जी, नए भारत के प्रणेता। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का भाव सही। एक बार जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के लिए। उत्तराखंड का सभी दाणा सयाणों, दीदी भुलियों, चच्ची बोड़ियों और भाई बहनों, आप सब थे म्यारू प्रणाम। मिथे भरोसा छे कि आप लोग कुशल मंगल होला। मैं आप लोगों थे सेवा लगोण छो, आप स्वीकार करा। उत्तराखंड के गवर्नर श्रीमान गुरमीत सिंह जी, यहां के लोकप्रिय ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय मंत्री परिषद के मेरे सहयोगी प्रहलाद जोशी जी, अजय भट्ट जी, उत्तराखंड में मंत्री सतपाल महाराज जी, हरक सिंह रावत जी, राज्य मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यगण, संसद में मेरे सहयोगी निशंक जी, तीरथ सिंह रावत जी, अन्य सांसदगण, भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, विजय बहुगुणा जी, राज्य विधानसभा के अन्य सदस्य, मेयर श्री, जिला पंचायत के सदस्यगण, भाई मदन कौशिक जी और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। आपके स्नेह, आपका आशीर्वाद, ये आशीर्वाद का प्रसाद पाकर हम सभी अभिभूत है। उत्तराखंड पूरी देश की आस्था ही नहीं बल्कि कर्म और कठोरता की भूमि है। इसलिए इस क्षेत्र का विकास, यहां को भव्य स्वरूप देना डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी भावना से सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए
केंद्र सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। यहां की सरकार इनको तेजी से जमीन पर उतार रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। इनमें कनेक्टिविटी हो, स्वास्थ्य हो, संस्कृति हो, तीर्थाटन हो, बिजली हो, बच्चों के लिए विशेष तौर पर बना चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट हो, करीब करीब हर सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। बीते वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद अनेक जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आखिरकार आज ये दिन आया है। ये परियोजनाएं इस दशक को, मैंने केदारपुरी की पवित्र धरती से कहा था, आज मैं देहरादून से दोहरा रहा हूं, ये परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तराखंड के लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो लोग पूछते हैं कि डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या है, वो आज देख सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार कैसे उत्तराखंड में विकास की गंगा बहा रही है। भाइयों और बहनों, इस शताब्दी की शुरुआत में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने का अभियान शुरू किया था, लेकिन उनके बाद 10 साल देश में ऐसी सरकार रही जिसने देश का, उत्तराखंड का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। 10 साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, घपले हुए, इससे देश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने दोगुनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के इरादे से आगे बढ़ रहा है। आज भारत की नीति गति शक्ति की है, दोगुनी तीन गुनी तेजी से काम करने की है। सालों साल अटकी रहने वाली परियोजनाओं, बिना तैयारी के फीता काट देने वाले तौर तरीकों को पीछे छोड़कर आज भारत नवनिर्माण में जुटा है। 21वीं सदी के इस कालखंड में भारत में कनेक्टिविटी का एक ऐसा महायज्ञ चल रहा है जो भविष्य के भारत को
विकसित देशों की श्रृंखला में लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इस महायज्ञ का ही एक यज्ञ आज यहां देवभूमि में हो रहा है। भाइयों और बहनों, इस देवभूमि में श्रद्धालु भी आते हैं, उद्यमी भी आते हैं,